गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम आज अपना मीडियन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। मीडियन के आपके पास दो क्लास आएंगी। आज मैं बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा मीडियन का, और दूसरा मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। देखो अंतर क्या है, पहले वो सुन लो जो आज हम सीख रहे हैं। मीडियन ग्रुप डाटा का, पहली बात तो ये आपको क्लियर है कि यहाँ ग्रुप डाटा का ही आएगा। अनग्रुप डाटा का भी रिवाइज कराऊंगा जो 9th पे पढ़ा था आपने, थोड़ा सा एक मिनट में रिवाइज करा देंगे। बेटा देखो सिंपल सिंपल यहाँ क्या गिवन है आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 एक मीडियन ऐसे भी आता है कभी कभी ना, क्लास इंटरवल की जगह वो चाहे मीन हो चाहे मोड हो, सुनना मेरी बात, चाहे वो मीन हो मोड हो मीडियन हो, उसमें क्या होता है हमारा लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन वर्ड लिखा है, या फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। तो उस लेस देन और उस मोर देन को हम क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करें वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। वो मीडियन का दूसरा पार्ट है। जनरली मीडियन में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ओजीव में जो आगे लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, है ना। वो मीन में भी आ गया तो आप फिर उसको इजीली कर लोगे, क्योंकि मैंने अभी मीन के मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चंस बाद में आएंगे, एक दो एक्स्ट्रा, हालांकि मैंने सारे करा दिए, मीन के उससे बाहर नहीं आने के हैं, उस जैसे ही आएंगे। फिर भी अभी आज बेसिक सीखेंगे, जिसमें हम सीधा सीधा हमें क्लास इंटरवल गिवन है। कल सीखेंगे लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ठीक है, वो समझ में आएगा कल, अभी उसको भूल जाओ। फिलहाल जो बता रहा हूँ उसको देखो, अभी कम से कम 3 से 4 क्लास आएंगी इसकी, इस चैप्टर की। अभी 3 से 4 दिन चलेगा ये चैप्टर कम से कम, उसके बाद हम मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दबाजी मत करो, जो करो अच्छे से करो, कट जाता है तो भैया राम भरोसे, फिर देखा जाएगा जो होगा। अभी सुनो बेटा, मीडियन सबसे पहले आपको याद है क्लास 9th में हमने मीडियन के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो एन अपॉन टू, याद है। एंड एक n+1/2, याद है कुछ? ये वाला फॉर्मूला कब लगता था? जब इवन होता था, याद है, n/2, n/2+1, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 8, 8 क्या होता है, इवन। तो फॉर्मूला क्या होगा, 8/2, 4, 4+1, 5, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके मीडियन, याद है कुछ? और अगर यहाँ पर 9 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 9, तो n की जगह 9 रखो, 9+1, 10, 10/2, 5, दैट इज मीडियन क्या हो जाएगा फिर, केवल 5, याद है कुछ? ये मैंने बताया था 9th क्लास में, है ना। तो यही मुझे थोड़ा सा बताना था, मैंने कहा था ना कि थोड़ा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं आते इस पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा भी नहीं, आ गया तो आप कर लोगे इजिली, एक नंबर में कुछ भी नहीं है, इवन है तो n/2, n/2+1, और अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म, th, है ना। अब आगे सुनो, अब बात करते हैं मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा, कि ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन को निकालने का, l+, सुनते रहिए, सभी फॉर्मूला लिखिए, l+(n/2 - Cf/f) इंटू एच, लिख लीजिए, l+(n/2 - Cf/f) इंटू एच, प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, l लिखते चलिए बेटा, मैं फिर इसको रिरेज कर दूंगा। l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बताऊंगा अभी क्या होती है मीडियन क्लास, चिंता मत करो, आज मुझे यही तभी मैंने कहा है 2 दिन लूंगा। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी का सम, और वी कैन से दैट सिग्मा एफ। एन क्या होता है, टोटल सम, क्या होता है बेटा, इन सभी का सम, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी की टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी मतलब ऑब्जर्वेशन की कितनी ऑब्जर्वेशन है। सीएफ का क्या फुल फॉर्म है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, होता क्या है सिखाऊंगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो, होता क्या है। एच क्या है, क्लास साइज। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और ये यहां जो सी एफ लेते हैं
अभी सिखाएंगे, लिख लो यहाँ पे, अभी शॉर्ट में लिख लो, समझा दूंगा। रिसीडिंग मीडियन क्लास, रिसीडिंग मीडियन क्लास समझ में आएगा, पहले इसको उतारू। बस मैं ये लिखा रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, उतारू मत, लिखा रहने देते हैं। देखो सबसे पहले निकालना सीखो सी एफ, कि सी एफ कैसे निकालते हैं। हमें बस इसमें एक कॉलम बनाना होता है बच्चों, जिसका नाम है सी एफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। होती क्या है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, प्लीज समझ में ना आए यहां से सुनना, यहां से निकाल देना, पहले बता, कल आ जाएगा समझ में जब लेस देन मोर देन पढ़ेंगे। अभी के लिए सुनो, जीरो से टेन के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जीरो से टेन के बीच में आए? फाइव। बात करते हैं, यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि 10 से कम जितने भी बच्चे हैं वो कितने हैं? पांच। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स, सुनना मेरी बातों पे, बातों पे, शब्दों पे जाओ जो मैं कह रहा हूँ, फील करो उसे, 10 से कम, 10 से कम ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं? पांच। अब मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, बताना जरा 20 से कम कितने बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं? आप लोग कह दोगे थ्री। बिल्कुल गलत। अरे जिन बच्चों के मार्क्स 10 से कम आए हैं वो भी तो 20 से कम होंगे, समझ रहे हो? मैंने मैंने यहाँ पर क्या बना रखा, इंटरवल, कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए वो कितने हैं? फाइव। तो 10 से कम कितने हो गए? पांच बच्चे। अब मैंने बोला 10 से 20, ये वाले, ये बच्चे कौन से हैं केवल जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं? तीन। अब मैं ये कहूँ आपसे कि 20 से नीचे जितने के भी मार्क्स हैं, 20 से नीचे, तो बेटा ये भी तो ऐड हो जाएंगे उसमें, फाइव। हाँ है ना, क्योंकि जो बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में है वो ऑटोमेटिकली 20 से तो कम है ही, तो 20 से कम में ये तो हो ही जाएंगे, और साथ में ही। तो इस तरीके की जब हम फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, टोटल नंबर निकालते हैं, तो वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, समझिएगा कैसे। आप यहां तक इसको देखो, टोटल देखिए 10, पहली आप इसको पहले बेसिक तरीका सुनो कैसे लिखते हैं, पहले लिखते कैसे सुन लो, तरीका रटना, रट लो या कुछ भी समझो, समझाएंगे बाद में, पहले सुनो निकालते कैसे हैं। जब सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो, मैं लेस देन की बात नहीं कर रहा, मैं मोर देन की बात नहीं कर रहा। अभी जब हमारे पास सीधा सीधा क्लास इंटरवल गिवन है, बच्चों क्या करते हैं स्कूल में, सीधा बोलेंगे आपसे कि, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ बताते भी हैं कि जी ऐसे ऐसे लिख लो, जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ, मगर उसका लॉजिक सुनना। पहले वाली फ्रिक्वेंसी तो हमेशा सेम रहने दो, क्या रहने दो? सेम। अब ये एरो लगा दो डायगनली, फाइव में जब थ्री ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? एट। आप खुद देखो, एट में जब फोर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ट्वेल्व। ट्वेल्व में जब थ्री ऐड करोगे तो फिफ्टीन। फिफ्टीन में जब थ्री ऐड करोगे तो एटीन। एटीन में जब फोर ऐड करोगे तो 22। 22 में जब सेवन ऐड करोगे तो 29। 29 में जब नाइन ऐड करोगे तो 38। 38 में जब सेवन ऐड करोगे तो 45। और 45 में जब एट ऐड करोगे तो 53। अब हमें ये चेक करना है कि हमने ये सही करा या नहीं करा। अभी मैं फिलहाल इस एरो को हटा रहा हूँ, ये आपको नहीं लगाना, मैंने समझाने के लिए बताया है बच्चों कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो, टाइम बचाने के लिए, मगर अभी इसका रियल लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा। इसको चेक करने के लिए मैंने सही है या नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया, एन क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। एन जरा निकालना, यहाँ कितना आएगा सबको सम करना। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22, +7 29 +9 38 +7 45 +8 53। अगर ये वाली वैल्यू, यानी इन सब का सम, और ये जो लास्ट में वैल्यू आ रही है, वो दोनों सेम हो जाती हैं, तो आपने यानी सी एफ क्या निकाला है? बिल्कुल सही निकाला है। जिसको डाउट है वो मार्क करके रखिए। अब समझिए इसका रियल मीनिंग, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जरा ऐसे फील करो कि 10 से कम कितने बच्चे हैं? पांच। तो क्या आ गया? पांच। 20 से कम कितने बच्चे होंगे? तीन भी, और साथ में ये वाले पांच भी, तो दोनों का सम यानी कितना आ गया? एट। 30 से कम, 30 से कम ये तो होंगे ही होंगे, साथ में ये वाले भी होंगे, साथ में ये वाले भी होंगे, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12। 40 से कम जितने भी बच्चे इससे ऊपर आ रहे होंगे, जितने भी मार्क्स 40 से कम है, 40 से कम में 0 से 10 वाले भी आएंगे, 10 से 20 वाले भी आएंगे, 20 से 30, 30 से 40 वाले भी, तो सबका सम कर दिया।
इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी। अब टोटल बच्चे कितने थे क्लास में, 53। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 100 से कम आए, तो पूरे सभी बच्चे होंगे या 100 भी आए, तो देखो लास्ट में कितना आ गया, 53, जिनके मार्क्स 100 से कम आए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल कि अभी तक के कितने बच्चे ऐसे आ चुके हैं, है ना। तो ये होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, समझ में तो आ गया होगा क्या होता है। ये इस दोबारे सुनो, 10 से कम कितने बच्चे, 5। 20 से कम कितने बच्चे, ये वाले भी और ये वाले भी। क्यों? क्योंकि 20 से कम ये वाले भी तो आ रहे होंगे 0 से 10, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर 30 से कम में ये तीनों को ऐड कर दिया, 40 से कम में ये तीनों को। और इसको करने का तरीका क्या है, पहले वाली वैल्यू सेम रखो, फिर 5 में 3 ऐड कर दो कितना आ गया 8, 8 में 4 ऐड कर दो कितना आ गया 12, 12 में 3 ऐड कर दो कितना आ गया 15, 15 में फिर 3 ऐड कर दो 18, फिर 4 ऐड कर दो 22, फिर 7 कर दो 29, फिर 9 कर दो 38, फिर 7 कर दो 45, प्लस 8 कर दो 53। वीडियो को बार बार देखो, अगर अटक रही है या इन द सेंस कि अगर समझ में नहीं आया पीछे बैकवर्ड करो, समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूं। एक एक नहीं दो दो बार देखो, ठीक है, क्योंकि यही हमारा कल मेन टॉपिक है, सी एफ, लेस देन मोर देन। क्योंकि लेस देन 20 मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाले कितने बच्चे हैं, ये लेस देन 10, 10 से कम वाले बच्चे, ये लेस देन 20, 20 से कम वाले बच्चे, यानी ये भी और ये भी, लेस देन 30। तो ये हम कल सीखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, आया समझ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। बस अभी के लिए सुन लो, 5, 3, 8, 4, 12, 3, 15, 3, 18, 4, 22, 7, 29, 9, 38, 7, 45 और 8, 53। ओके, अब आते हैं हमारे पास एन कितना होता है, टोटल सम। अब मैं फिलहाल यहां देखिए, यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं सॉल्यूशन। मीडियन सुनना मेरी बात, निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या है बच्चों, एन बाय टू, एन बाय टू, पहले एन बाय टू है ना, तो एन कितना आया 53, दैट इज 53 बाय टू किसके बराबर आएगा, 26.5। देखते चलो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार देखना, मीडियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद देखो एन बाय टू कितना आ रहा है बेटा मेरा, 26.5। अब समझने वाली बात अब आई है, मेन बात अब आई है, सभी ध्यान से सुनेंगे। हमारा इस वैल्यू को देखो बेटा, हर चीज याद रखते हुए चलना, लास्ट में बताऊंगा, रिवाइज करा दूंगा, चाहे एक ही क्वेश्चन हो पाए आज, बट अच्छे से सीखो। और फिर मैं आपको इसके जैसे 4-5 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, केवल सिंपल वाले, फिर कल लेस देन वाले और मोर देन वाले कर लेंगे, और फिर एक दिन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जिसमें घुमा फिरा के वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए आती है, लेकिन पहले बेसिक पता होना चाहिए। n by 2 कितना आ गया, 26.5। अब ये l किसको मानना है, उसको मेरी बात ध्यान से सुनना, 26.5 से जस्ट बड़ी, जस्ट ग्रेटर, हल्का तुरंत बड़ा, बताना इसमें से किसकी वैल्यू 26.5 से जस्ट बड़ी है, इस वाले की, जस्ट ग्रेटर देन 20। हर बार ये कुछ भी आ सकता है, n by 2 मेरा कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी, तो मेरा ये आया 26.5, इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखो cf में क्या आ रही है, जस्ट बड़ी। अगर मान लो ये आता 15.6 तो उससे बड़ी कौन सी हो जाती, 18। अब ये आया 26.5 तो जस्ट इससे बड़ी कौन सी वैल्यू आ रही है, 29। तो 29 के जो सामने वाला होता है, ये होती है मीडियन क्लास। तो यहां पर हमारी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 60, क्योंकि मैंने क्या बताया, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास किसको लेंगे, जो भी हमारा एन बाय टू आया है, जस्ट उससे ग्रेटर उसके सामने वाला, और उसी में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसे क्या मानेंगे, एफ। एफ भी आ गया, एन बाई टू भी आ गया, एल भी आ गया, एफ कितना आ गया 7, और एच कितना मानेंगे, इनके बीच का गैप 10। अब क्या बचता है, केवल सी एफ। सुन लो जस्ट सी एफ के लिए क्या करेंगे, सी एफ में मैंने क्या लिखा है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, सी एफ जस्ट इससे ऊपर वाला, हम सी एफ क्या मानेंगे इसमें, 22। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले सुनो, सी एफ 22 क्यों माना, जो भी हमारी मीडियन क्लास थी, प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले वाली सी एफ, मीडियन क्लास 60 से 70 आई, उसके सामने सी एफ कितना था 29, जस्ट उससे पहले वाला 22, तो सी एफ कितना हो जाएगा 22। या ऐसे याद रखो कि जो भी मीडियन क्लास आएगी हमारी, उसके सी एफ को ना लेके जस्ट उससे ऊपर वाला, पहले वाला सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू कैसे कैसे मानी दोबारा सुन लो, कैसे कैसे निकाला। अब तो बस हमें फॉर्मूले में पुट कर देना, पहले मैं निकाल के दिखा देता हूँ तब सीखेंगे। एंड थोड़ा सा सीरियस, अगर आप मजे में ले रहे हो हर चीज को तो बच्चों फिर तुम्हें मैं यकीन मान लो आज एक बार ध्यान सुन लो मेरी बात, या तो अभी मेहनत करके आगे आराम से जी लेना, अदरवाइज अभी मौज मस्ती कर लो और आगे फिर पूरी जिंदगी मेहनत करते रहना। याद रखना अगर आज आप अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ देते हो तो डेफिनेटली आने वाला टाइम अच्छा होगा, और अगर आप अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ पा रहे हैं आज, नहीं हमें तो आराम करना है, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा, सुन लो मेरी बात। याद रखना मेहनत करो तभी उसका फल मिलेगा, और अगर मस्ती में ले जाओगे हर चीज को तो सब बेकार। और एडुकेशन ही एक ऐसा चीज है जिससे आप कुछ भी चीज हासिल कर सकते हो, और अभी आपको के लिए केवल यही काम है। तो सुनो फॉर्मूला एल कितना आया 60, मैं यहां लिख रहा हूं 60 प्लस एन बाय टू कितना आया 26.5 माइनस सी एफ कितना आया 22, एफ कितना आया बच्चों 7, एच कितना आया 10, एच कितना आया 10, कितना आ जाएगा 60 प्लस 45 अपॉन 7, कैसे 26.5 में से 22 गया तो बचा 4.5, और 4.5 की 10 में करी तो 45। कुछ बच्चों ने मेरे को कल क्वेश्चन भेजे थे तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी थी, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये 10 इसके साथ थोड़ी है, पूरे के साथ थोड़ी है, 10 तो केवल अलग से एक नंबर है, और बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए पहले हमने मल्टीप्लाई करके 45 आ गया अपॉन 7। अब नाउ यू कैन सॉल्व इट, 60 प्लस 45 अपॉन 7, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा हमारा प्लस 6.4, 7 सिक्स जा 42, 6.5 सॉरी, ठीक है, और यहाँ 6.4 ही आएगा, पूरा नहीं कटेगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 66.4, दैट इज अवर मीडियन, दैट इज अवर मीडियन 66.4। नाउ आई रिपीट, सुनिए क्या करते हैं कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने याद रख लिया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रखने के बाद हमने क्या करा, सबसे पहले निकाली सी एफ, सी एफ एक स्पेशल टाइप की फ्रिक्वेंसी है टोटल की, अब तक के कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं, जैसे यहाँ इस वाली को देखनी है हमें हमेशा अपर लिमिट को, 10 से कम कितने बच्चे 5, 20 से कम कितने होंगे 10 वाले भी और ये खुद, तो यानी 5 और 3 8, 30 से कम ये तो होंगे ही होंगे और इससे ऊपर जितने भी आ रहे हैं क्योंकि वो भी तो 30 से कम है वो, 40 से कम सब। इसको निकालने का तरीका शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहली वाली फ्रिक्वेंसी ऐसी रहने दो, देन डायगनली 3 ऐड करो 8 आ गया, 4 ऐड करो 12 आ गया, 3 ऐड करो 15 आ गया, 3 ऐड करो 18 आ गया, 4 ऐड करो 22, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ गया 53। अब इनका n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सबका सम निकाल लिया कितना आ रहा है 53। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो आपने गड़बड़ी करी है, अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आपने क्या करा है, गड़बड़ी करी है। अब क्या निकालना है हमें n बाई टू, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है n बाई टू, तो 53 बाई टू दैट इज 26.5। अब क्या देखना है, जस्ट इससे बड़ा, जस्ट इससे बड़ा वाला सी एफ देखो, 26 पॉइंट से बड़ा वाला सी एफ क्या है 29। उसके सामने जो मीडियन क्लास होगी वही उसकी जो लोअर लिमिट है वो होगी हमारी एल, एल कितना आ गया 60, उसमें जो फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है वो क्या होगी हमारी एफ, एफ आ गया। उस मीडियन क्लास के सामने जो भी सी एफ है यानी जो भी निकाला है जस्ट उससे पहले वाला प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास के सामने जो सी एफ होगा, इस जो भी हमारी मीडियम क्लास थी उससे पहले वाली के सामने जो सी एफ होगा उसे उसे लेंगे हम यहाँ सी एफ 22। एच गैप फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्वेश्चन खत्म, यही है मेरा आज का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराते हैं, अभी है हमारे पास टाइम, एक मिनट को बस बुक ले आओ अपने, इतना आप नोट डाउन करिए इसे। और फिर मैं आपको पहले तो होमवर्क ही लिख लो, पहले तो एक क्वेश्चन का होमवर्क ही लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं करके और दिखाऊंगा, और देन हम इस वीडियो को ऑफ करेंगे और कल हम नया मेथड सीखेंगे, ये सिंपल मीडियन है, लेस देन और मोर देन, जिसमें हमें क्लास इंटरवल इस तरीके से गिवन नहीं होते। एक क्वेश्चन है आपका अमाउंट, लिखते चलेंगे सभी, अभी लिख लीजिए क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, मैं वीडियो को बस कुछ ही देर की और बढ़ाऊंगा,
जीरो से ट्वेंटी, ट्वेंटी से फोर्टी, फोर्टी से सिक्सटी, सिक्सटी से एट्टी, एट्टी से हंड्रेड। फाइव, एट, ट्वेल्व, इलेवन, फोर। आपको इसका मोड एंड मीडियन दोनों फाइंड करने हैं। आंसर लिख लीजिए, ये सीबीएसई में आया हुआ है बेटा। मोड का आंसर है इसका 56। मोड कितना आ रहा है? 56। और जो इसका मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 51.66। प्लीज राइट। दूसरा क्वेश्चन लिखिए होमवर्क का। क्लास इंटरवल यहां दे रखी है, फ्रीक्वेंसी यहां 240 से 280, 240 से 280, 280 से 320, 320 से 360, 360 से 400, 400 से 440, 440 से 480 एंड 480 से 520। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 10, 30, 25, 12, 10। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, मीडियन निकालना है इसका आपको। क्या निकालना है? मीडियन। आंसर आ रहा है 390। ओके, तो ये दो क्वेश्चन सभी करेंगे, अभी और मिलेंगे, दोनों के दोनों सीबीएसई में आए हुए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का बस मोड निकालना बता रहा हूं, मोड कह रहा हूं, सॉरी, मीडियन। एक मिनट बस। हाँ जी, एक क्वेश्चन का, अब एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अभी एनसीईआरटी कोई भी नहीं छुएगा। अगर आपको करना है तो केवल वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिंपल दे रखा है, सिंपल सिंपल। मीडियन का पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, सुनिए ठीक है, या जब तक मैं ना कहूं जब तक मत करो, पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ खास नहीं है। पहले हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं कि जो जो एनसीईआरटी में है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथली हम कर पाए। 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2, 1। ओके, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, सो नाउ लिसन क्लास। हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सीएफ। आप सबको पता होगा क्या निकालना है इसका। सीएफ निकालने के लिए पहला वाला तो ऐसी रहेगा, फिर इसमें ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा। 182, 182 में 63 को ऐड करेंगे तो आएगा 245, 245 में 15 को ऐड करेंगे तो 260, इसमें 6 को ऐड करेंगे तो 266, इसको ऐड करेंगे तो 273। आप देखते चलो, 4 ऐड करेंगे तो 277, में 2 ऐड करेंगे तो 279, में 1 ऐड करेंगे तो 280। सीएफ निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं? एन एन को 133 प्लस 63 प्लस 15 सबको सम करोगे तो वो भी 280 आ रहा है। मुझे पता है, मैं इसलिए बता रहा हूं, कितना आ रहा है? 280 आ रहा है। आप चाहे खुद चेक कर सकते हो कि दोनों मैच हो गए, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। अब हमें क्या निकालना है? पहले एन बाय टू निकाल लो। एन बाई टू कितना होगा? 280 आया है एन, उसको 2 से डिवाइड करो, दैट इज 140। 140, 140 से जस्ट बड़ी दिस वन, 140 से जस्ट बड़ा यही तो है। उसके सामने वाला जो होगा मीडियन क्लास, उसकी एल होगी, लोअर लिमिट हमें लेनी है 10। उसमें जो एफ है वही हमें एफ लेना है 133। उससे पहले वाली जो मीडियम क्लास है उसके सामने वाला क्या लेना है? हमें सीएफ लेना है, यानी सीएफ कितना आएगा? 49। जो भी हमारी मीडियम क्लास थी, कैसे 140 से जस्ट बड़ा 182, उसके सामने वाला लोअर लिमिट यानी मीडियम क्लास, उसके सामने वाला एफ, उससे ऊपर वाले के सामने जो सीएफ है वो हमें 49 आना है। अब तो आप लीजिए एच की वैल्यू 5, मीडियम निकालना है, फॉर्मूला एल प्लस
एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है 10, एन बाई टू कितना आया 140, सी एफ कितना आया 49, एफ कितना आया 133, एच कितना आया 5। 10 को ऐसी रहने दो, प्लस 140 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा 91 अपॉन 133 इंटू 5, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 5 को मल्टीप्लाई कर दी, 10 प्लस 91 इंटू 5 दैट इज 455 अपॉन 133, चाहे चेक कर लो, और इसको करेंगे तो ये आएगा 3.42, दैट इज 13.42 आपका मीडियन आ चुका है। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है 2018 में, कब 2018। ये सारे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो बहुत सारे हो जाएंगे इस तरीके से। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मीडियन मैंने आपको सिखा दिया है, कल थोड़ा एडवांस वर्जन सीखेंगे, ये दो क्वेश्चन सबके हो जाने चाहिए, इसमें मोड मीडियन, इसमें मीडियन, और हाँ एक रिलेशन भी होता है मीन मोड मीडियन में, वो भी मैं कल बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, किसी को दिक्कत है तो कॉल करके, वीडियो देखिए, होमवर्क टाइम से सेंड करिए, ओके, थैंक यू क्लास।